गठबंधन तोड़ने के 15 महीने बाद मिले अमित शाह और नीतीश कुमार, शाह को गुलदस्ता, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर किया भेंट। नीतीश कुमार ने अमित शाह से बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा, 75% आरक्षण पर हुई चर्चा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, रायपुर में 13 तारीख को लेंगे शपथ ग्रहण, अरुण साव विजय शर्मा बने डिप्टी सीएम। वसुंधरा राजे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, उनके घर 13 विधायक मिलने पहुंचे, विधायक दल की बैठक पर संशय। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर खत्म होगा सस्पेंस, कल भाजपा विधायक दल की होगी बैठक, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित कई नेताओं के नाम रेस में। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी फैसला, भाजपा ने कहा सभी को फैसला का करना चाहिए सम्मान। 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी इंडिया की अगली बैठक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताई तारीख। बारिश के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला हुआ रद्द। मुंबई की लोकल में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई एक दिन की सजा, 4 साल पहले मुंबई लोकल में महिला के प्राइवेट पार्ट को किया था टच। खत्म ही नहीं हो रहा है नोटों का पहाड़, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर रेड में अब तक 318 करोड़ बरामद, गिनती जारी। सीएम बनते ही विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा, 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। वाराणसी में लोकार्पण के बाद बीते 2 सालों में रिकॉर्ड 12.92 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। सरकार की नोटबंदी योजना फर्जी, धीरज साहू के ठिकाने पर मिले कैश पर बोले अखिलेश। एनिमल ने 90 दिन काटा गदर, बॉक्स ऑफिस पर मारी लंबे छलांग, 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुए थे। सर्दियां आते ही डराने लगा कोरोना, पिछले 24 घंटों में आए 166 नए मामले, केरल में सबसे ज्यादा केस। बसपा की मीटिंग में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बेटों को दहेज नहीं जायदाद में हिस्सा दे मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉन्फ्रेंस में उलमा की अपील। आज मुंबई से अयोध्या के लिए निकली राम भक्तों की पदयात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। नीतीश कुमार को दुनिया के सभी लोग दिखते हैं मूर्ख, प्रशांत किशोर ने सीएम पर कसा तंज। 1 अक्टूबर 2025 से सभी ट्रकों में अनिवार्य होगा एसी कैबिन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। मुंबई में डेंगू ने बढ़ाई मुश्किलें, हर 2 घंटे में हो रहा है संक्रमण, 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक 17,531 डेंगू के केस। राजस्थान में दुकान जल्द खाली कर दो नहीं तो बम से उड़ा देंगे, पीएफआई के नाम से टेलर को मिली धमकी। यूपी के बरेली में 8 बाराती कार में जिंदा जले, डिवाइडर तोड़ बंपर से टकराई, सेंट्रल लॉक की वजह से बाहर नहीं निकल पाए लोग। यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेसवे पर वाहन ने 11 लोगों को रौंदा, 3 की हुई मौत। गुरुग्राम में 13 वर्षीय मेड को बंधक बनाकर रखा, रॉड हथौड़े से पीटा, मालकिन के बेटे बनाते थे न्यूड वीडियो।